Hey guys, welcome back to another episode of Android Development Course by Coding Shorting. Guys, अगर आपने अभी तक ये playlist को access नहीं किया और इसको bookmark नहीं किया तो please कर लें. Okay, तो मैंने अपनी last three जो videos हैं उनमें आपको बता दिया था कि आपने ये course क्या cover करेगा और आपने Android Studio को install कैसे करना है. अगर आपने वो देख लिए हैं तो आपके desktop पर एक Android Studio का icon आ जाएगा. So guys, आप इसको double tap करके या enter से open कर लें. गाइस, ये देखिए हमारा एंड्रॉय स्टूडियो सक्सेसफुली ओपन हो चुका है और यहाँ पर आपको ये देखने को मिल रहा है एक लेआउट. ये है वेलकम पेज आप कह सकते हैं इसे. यहाँ पर देखिए हमें बहुत सी ऑप्शंस मिल रही हैं इसके मतलब. ओके, तो यहाँ मैंने आपको बता दिया था आपने एवीडी मैनेजर और एसडीके मैनेजर को कॉन्फिगर भी कर लिया होगा. सो गाइस, हम स्टार्ट करेंगे स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट के साथ. सो गाइस, यहाँ देखें न्यू प्रोजेक्ट में हमसे पूछ रहा है कि आप जो टेम्पलेट होगा वो क्या लेंगे. ओके गाइस, हम यहाँ बेसिक एक्टिविटीज से यहाँ देखें आप गूगल मैप एक्टिविटी और यहाँ बहुत सी न्यू प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, लेकिन फ्यूचर में अभी हम सिर्फ स्टार्ट एम्प्टी एक्टिविटी के साथ ही शुरू करेंगे. तो इसे सेलेक्ट करते हुए आप नेक्स्ट कर दें. तो यहाँ हमसे पूछ रहा है एप्लीकेशन नेम, तो हमारा एप्लीकेशन नेम होने वाला है बिकॉज ये एक एग्जाम्पल है, तो हम रखेंगे एग्जाम्पल एग्जाम्पल ऐप हम इसका नाम रख देते हैं. और देखें पैकेज नेम इसके हिसाब से ये कंफर्म हो गया है. यहाँ आप पैकेज नेम कुछ भी रख सकते हैं. अगर आपने अपनी ऐप को प्ले स्टोर पर अपलोड करना है तो आपका पैकेज नेम यूनिक होना चाहिए और ये किसी के साथ मिलता नहीं होना चाहिए, वरना आपकी जो ऐप है वो अपलोड नहीं होगी. और यहाँ देखें ये उल्टा है, यह डोमेन नेम है. ये देखें आप पढ़ें कोड रीजन्स डॉट कॉम, ये उल्टा लिखा हुआ है. सो आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल कुछ भी यहाँ आप लिखते हैं एग्जाम्पल डोमेन कुछ भी हो सकता है यहाँ पर. ओके, तो ये देखें हमारा हो गया है. ये है सेव लोकेशन. यहाँ हम आप अपनी कुछ भी लोकेशन जहाँ आप अपना जो प्रोजेक्ट है उसकी फाइल्स को सेव करना चाहते हो. तो गाइस ये देखें मैं अपनी प्रोजेक्ट्स में सेव इसको कर देता हूँ. ओके, तो यहाँ पर आप लैंग्वेज देखें, लैंग्वेज में आ रही है कोटलिन और जावा. सो गाइस, हम जावा के साथ स्टार्ट करेंगे. ओके, तो यहाँ देखें आ रहा है मिनिमम एसडीके वर्जन. आपको क्या करना है यहाँ पर देखें, बहुत से एपीआई वर्जन आ रहे हैं लाइक 14 से लेकर 13 तक, वो अपने एंड्रॉयड साहब के कोरिस्पोंड हैं. सो आप देखें अगर हम लेटेस्ट वर्जन को सिलेक्ट करते हैं तो ये देखें यहाँ पर आ रहा है यूअर ऐप विल रन ऑन 1% ऑफ डिवाइसेज. अगर हम एपीआई को मैक्सिमम रखेंगे तो हमारी जो ऐप है वो कम से कम एंड्रॉयड पर चल सकेगी. और अगर हम यहाँ देखें ये मिनिमम रखते हैं तो ये देखें योर ऐप विल रन अप्रोक्सीमेटली 100% ऑफ डिवाइसेस. ये हमारी 100% डिवाइसेस पर चल जाएगी. सो गाइस, इसको ये करें और यहाँ पर आप कर दें फिनिश. फिनिश करने के बाद यहाँ देखें लोडिंग प्रोजेक्ट हो रहा है, ये जल्दी ही हो जाएगा, उम्मीद तो है. ओके गाइस, ये देखें जी हमारा जो है, ये देखें हमारी जो ऐप है वो हमारे एंड्रॉय स्टूडियो में ओपन हो चुकी है, हमने जो एम्प्टी एक्टिविटी सेलेक्ट की थी. सो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप सब कुछ बंद कर दें क्योंकि यहाँ से मैं आपको सारा कुछ बताता हूँ. ये है एम्प्टी स्क्रीन एंड्रॉय स्टूडियो की, ये ऊपर मेन्यू है, ये एक हमारा पाथ है जहाँ पर हम हैं. और यहाँ पर देखें ये प्ले बटन है, ये बहुत ही कमाल की चीज़ है, मैं आपको बताता हूँ. ओके, सबसे पहले मैं बताता हूँ आपको ये प्रोजेक्ट टैब. प्रोजेक्ट टैब में क्या है, आपकी फाइल वगैरह इसमें आएंगी. इसको मैं भी बंद कर देता हूँ. ओके, सबसे पहले है मैनिफेस्ट फाइल. ये जो मैनिफेस्ट फाइल है ना, ये डॉट एग्जामल फाइल है. इसको मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ. ये देखें ये एंड्रॉयड मैनिफेस्ट में क्या होता है. इस फाइल में हमारी जो ऐप की इंटायर इंफॉर्मेशन है वो सेव होती है. फॉर एग्जाम्पल ये ऐप नेम है, ये उसका लॉन्चर जो है वो है, लॉन्चर का आइकन है, उसका पाथ वगैरह सेलेक्ट किया हुआ है. यहाँ पर हमारी जो भी अपनी ऐप की इंफॉर्मेशन होगी वो यहाँ पर सेव होगी. सो गाइस, इसको भी मैं बंद कर देता हूँ और मैं आपको बताता हूँ जावा. सो ये गाइस जावा है, और जावा में जो फर्स्ट वाले में जाएँ अपने डोमेन नेम के, और ये है मेन एक्टिविटी. इसको आप ओपन करें, इसमें है एक कोड जावा का. और गाइस ये बेसिक कोड है जावा का, ये क्या करता है मैं आपको बताता हूँ. इसको ओपन ही रहने दें. और थर्ड चीज़ जो है वो रिसोर्सेज हैं. यहाँ पर आपकी इमेजेस और म्यूज़िक यहाँ पर होंगे जो आप ऐड करेंगे. ओके, इसमें जो देखें ये लेआउट है ना, ये इंपॉर्टेंट फोल्डर है. इसमें आप देखें मेन एक्टिविटी डॉट एग्जामल, इसको भी आप ओपन करें.
ये दो, इसको वेटिंग फॉर बिल्ड फिनिश ये देखें होने दें आप। ओके, ये दो चीज़ें हैं, एक जावा और एक्सएमएल, ये दोनों एक दूसरे से रेफरेंस होंगे। ये एक एक्टिविटी है, अभी सिंगल एक्टिविटी ऐप है हमारी। जब हम ज़्यादा मल्टी एक्टिविटी ऐप बनाएंगे तो ये आप देखेंगे कि जावा की फाइल्स भी ज़्यादा होंगी। अभी आप देखें मेन एक्टिविटी है, ये एक्टिविटी मेन है तो इसके हिसाब से ही ये जावा की फाइल है मेन एक्टिविटी। ओके, ये देखें, ये मैं आपको बता देता हूँ, ये यहाँ से इसको थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, इसको बंद कर देते हैं। ओके गाइस, यहाँ पर देखें ये है, दो चीज़ें आ रही हैं, ये है ब्लूप्रिंट और ये है मेन ऐप। यहाँ से आप इसको सिंपल डिज़ाइन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, ये जैसे मैंने कर दिया है। ओके गाइस, ये तो यहाँ सिस्टम क्या है, ड्रॉप एंड ड्रैग सिस्टम है। ये देखें यहाँ पर टेक्स्ट है, जो यहाँ पर टेक्स्ट होगा वो वहाँ यहाँ पर आएगा। ये फोटोशॉप अपने अगर यूज़ किया तो साइड में लेयर्स आती हैं उसमें, तो ये वो चक्कर है, ये हमारी लेयर्स हैं, कंपोनेंट ट्री, यहाँ हमारे कंपोनेंट्स होंगे जो हम ऐप के अंदर इंसर्ट करेंगे। तो यहाँ देखिए बटन, इमेज व्यू, टेक्स्ट, बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं हमारे इसके अंदर जो हम यूज़ भी करेंगे, मैं आपको सब कुछ दिखाऊंगा। ओके गाइस, तो यहाँ पर आप देखें कि ये है हमारा ढांचा, मतलब ये हमारा डिज़ाइन है। ये डिज़ाइन में जो कुछ होगा ना, जो वो एक्टिविटी परफॉर्म करेगा, फॉर एग्जांपल अगर हम यहाँ पर बटन लगाते हैं, हम चाहते हैं बटन को क्लिक करें और यहाँ पर कुछ लिखा आ जाए या कुछ भी ऐसा हो, वो बटन हम यहाँ से सिर्फ डिज़ाइन करेंगे इस वाले एग्जामल में। ये सिर्फ हमारा एग्जामल है, हम यहाँ पर डिज़ाइन करेंगे। और अगर हम जावा में जाते हैं तो यहाँ पर जो हम कोड लिखेंगे वो इस ऐप इसको काम करने के लायक बनाएगा। ओके गाइस, ये तो होगी थोड़ी सी इसकी सॉफ्टवेयर की जो है ओवरव्यू। मैं आपको और दो तीन चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पर ये देखें, एक्सएमएल बेसिकली एक टेक्स्ट फाइल होती है, लेकिन एंड्रॉइड स्टूडियो ने हमारे लिए काम आसान कर दिया कि इसको ड्रैग एंड ड्रॉप का सिस्टम लगा दिया है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखें यहाँ पर ही आपको तीन डॉट दिख रहे हैं, ये यहाँ पर आप क्लिक करें, ये टेक्स्ट व्यू है एक्सएमएल फाइल का। ये देखें यहाँ पर ये कुछ कोड लिखा हुआ है, ये है टेक्स्ट व्यू। टेक्स्ट व्यू क्या है, यहाँ से इसको ये कर लेते हैं ताकि आपको समझ में आए। ये देखें, ये टेक्स्ट व्यू पर हम जब क्लिक किया तो इस पर आ गया, मतलब ये जो कॉम्पोनेंट है ये एक टेक्स्ट व्यू है, ये इसकी टाइप है टेक्स्ट व्यू, और इसके अंदर इसकी इन्फॉर्मेशन लिखी हुई है कि इसके अंदर टेक्स्ट क्या लिखा हुआ है। देखें यहाँ पर हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देखें, इसको मैं थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। ओके गाइस, यहाँ पर आप देखें ये हमारा, अगर हम कोई भी चीज़ यहाँ पर, यहाँ पर हम डायरेक्टली इधर लिखेंगे एग्जामल तो वो इधर शो हो जाएगी, बट ये बहुत ही डिफ़िकल्ट हो सकता है, फिर भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए, मैं आपको बता दूंगा नेक्स्ट वीडियोस में। और यहाँ पर अगर हम ड्रैप एंड ड्रॉप करेंगे, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ, ये देखें यहाँ पर हमने एक और टेक्स्ट व्यू को उठाया, यहाँ रख दिया, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम आए वापस से, देखें यहाँ दो टेक्स्ट व्यू बन चुके हैं, ये दो टेक्स्ट व्यू बन चुके हैं, और हमारे पास यहाँ भी दो बन चुके हैं टेक्स्ट व्यूज़। सो गाइस, जो हम यहाँ पर एडिटिंग करेंगे वो हमारे एग्जामल में कोड के तौर पर सेव होती रहेगी, बेसिकली डिज़ाइनिंग एग्जामल में ही होती है। ओके गाइस, एंड्रॉइड स्टूडियो ने हमारे लिए काम आसान कर दिया है कि हम ड्रैग एंड ड्रॉप करें और अपनी ऐप को बना लें आसानी से। ये है हमारा ऐप, और यहाँ से आप ये है हमारा प्ले बटन, यहाँ पर आप क्लिक करें तो यहाँ पर आप देखें अवेलेबल डिवाइसेस, पिक्सल 3 XL जो हमने लास्ट वीडियो में बनाई थी, अगर आपने नहीं बनाई तो यहाँ पर ओपन AVD मैनेजर करें और यहाँ क्रिएट न्यू वर्चुअल डिवाइस, और इसको मैंने ये बता दिया था लास्ट वीडियो में, आप वहाँ से जाकर देख लें। ओके गाइस, यहाँ पर बनाने के बाद, या फिर आप अपना फ़ोन भी कनेक्ट कर सकते हैं, डायरेक्टली आप अपने फ़ोन को लगाएं इसके अंदर, अपने CPU या लैपटॉप के अंदर लगाएं और अपने फ़ोन में डीबगिंग ऑप्शन ऑन कर लें। अब डीबगिंग ऑप्शन कैसे ऑन करनी है, वो आप सिंपल अपने जो मॉडल नंबर है उसको जाकर ये गूगल पर लिखें और वहाँ पर सर्च करेंगे हाउ टू अनेबल डीबगिंग मोड ऑन योर मॉडल नेम एक्स जो भी है गाइस, तो वहाँ पर आप उसको अनेबल करेंगे तो आपकी वो यहाँ पर इसके साथ शो हो जाएगी, और आप उसको सेलेक्ट करेंगे तो, और यहाँ से प्ले करेंगे तो वो ऐप आपकी उसमें रन हो जाएगी। वो ज़्यादा रिलायबल है अगर आपके पास कोई हाई स्पेसिफिकेशन PC नहीं है। तो बेसिकली मैं इसको ही करने वाला हूँ, और यहाँ से मैं आपको करके दिखा देता हूँ रन प्ले। ये हमारी बेसिक ऐप है, अभी हमने इसके अंदर कुछ नहीं किया, जो हम नेक्स्ट वीडियोज़ में ज़रूर इसको कस्टमाइज़ करके थोड़ा सा इसमें ऐप्स बनाएंगे। तो गाइज, अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो करें, और प्लेलिस्ट को बुकमार्क जरूर कर लें ताकि अपडेट्स आपको मिलती रहे कोर्स के मुतालिक। ओके गाइज, ये देखिए वही वही फ़ोन है जो हमने बनाया था लास्ट वीडियो में।
सो ये लोडिंग हो रही है इसकी, इसको लोड होने देते हैं। ओके ये देखें जीरो एरर के साथ ग्रेडल फिनिश हो चुका है। अब हाँ आपको एक इम्पोर्टेंट चीज़ बतानी है, ग्रेडल। ये देखिए ग्रेडल क्या है, ग्रेडल एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है जो हमारी एप्स को बिल्ड करता है। मतलब हमने अब यहाँ से किया तो ये इसने बिल्ड करी हमारी ऐप को और हमारे इस फ़ोन में भेज दी है। इस फ़ोन को ओपन होगा तो ये ऐप ओपन हो जाएगी। या देखिए ये ग्रेडल है बिल्डिंग सॉफ्टवेयर, जो एंड्रॉयड स्टूडियो है वो इस ग्रेडल सॉफ्टवेयर को यूज़ करता है और हमारी ऐप्स को बिल्ड करता है या डिबग करता है और इसको एपीके में भी यही कन्वर्ट करता है हमारी ऐप को। सो अभी हम इसके साथ कुछ पंगा नहीं करेंगे, इसको मैं आपको फर्दर नेक्स्ट वीडियोस में समझा दूंगा इसमें क्या क्या है और इसको कैसे एडिट करना है। सो अभी देखते हैं हमारा एंड्रॉयड कहाँ तक चला है। देखिए पिक्सेल स्टार्टिंग, यहाँ पर आप देखें नीचे ये होता है कौनसल, आप कह सकते हैं यहाँ पर आपको लेटेस्ट वो जो है आएंगी चीज़ें कि क्या क्या हो रहा है आपके एंड्रॉयड स्टूडियो में। ये देखिए लॉन्चिंग ऐप हो रही है, आप इस पर क्लिक कर दें, ये देखिए लॉन्चिंग ऐप का हो रहा है, इसको मिनिमाइज़ कर दें। और यहाँ पर आप जाएँ देखें बिल्ड का ये ऑप्शन आ रहा है, टर्मिनल और लॉक का, ये लॉक कैट से ज़ाहिर हो रहा है यहाँ पर हमारे लॉग्स आएंगे। ये देखें ये भी मैं आपको बताऊँगा इसको कैसे यूज़ करना है, पर आप करें अभी बिल्ड पर। ये देखें आपने यहाँ से आया, ये आ गया है, टिक लग गया है, बिल्ड सक्सेसफुल यहाँ भी आ चुका है। इसका मतलब है हमारी बिल्ड सक्सेसफुल हो चुकी है। अब हम अपने इसको खोल लेते हैं और ये देखें हमारी जो एग्जाम्पल ऐप है वो यहाँ आ चुकी है और उसमें हैलो वर्ल्ड लिखा हुआ है। गाइज ये बिल्कुल ही एक एग्जाम्पल ऐप थी और नेक्स्ट वीडियोस में हम इंशाल्लाह बहुत ही अच्छी अच्छी ऐप्स बनाएंगे। सो कोर्स के साथ जुड़े रहिए, सब्सक्राइब चैनल एंड लाइक द वीडियो प्लीज़। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा आपको इसको कस्टमाइज़ कैसे करना है और इसमें थोड़ी सी हम जावा कोडिंग भी करेंगे, आप फिक्र मत करें, जीरो से स्टार्ट करेंगे। सो गाइज लाइक द वीडियो।